अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको डोरी के साथ गले का और बाजू का डिज़ाइन बताऊंगी। बहुत ही इजी है। आजकल वैसे भी ड्रामों में, मैगज़ीन में बहुत ज़्यादा ये डिज़ाइन चल रहा है और बहुत ही कम पैसों में बन जाता है। ये मैंने शर्ट की कटिंग कर ली है। ये डोरी तैयार कर ली है मैंने सिल्क के कपड़े के साथ। आधा इंच का निशान हमने किसी भी गत्ते पे या चेपी पे लगा लेना है और उसे इस तरह कटिंग कर लें। ये चेपी रोल बाजार से बहुत इजी मिल जाता है। 1 इंच की चेपी चौड़ी होती है, काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे मैंने फोल्ड करके सेंटर का निशान यानी कि आधा इंच पे निशान सेंटर का लगा लिया है इस तरह। अब जो मैंने गत्ते पे निशान बनाया था वो वाला आधा आधा इंच पे मैं रख के इस तरह निशान लगा लूँगी। निशान एक जैसे लगेंगे तो डिज़ाइन की लुक एक जैसी आएगी। इस तरह मैंने सारे निशान लगा लिए हैं। ये गोल गला है। गले की चौड़ाई मुझे 6.5 इंच चाहिए थी। और लेंथ भी मैंने टोटल 6.5 रखी है। साढ़े छः पे ही मैंने लेंथ का निशान लगाया है। और जैसे हम गोल गले की कटिंग करते हैं वैसे कर लें और आधा आधा इंच यानी कि एक्स्ट्रा डीप कर लें इस तरह। जिस पे निशान लगा रही हूँ इसकी कटिंग नहीं करनी। आधा इंच पीछे से इधर से कटिंग करनी है। 1 इंच फिर नीचे रख के चेपी की कटिंग करके कपड़े पे पेस्ट कर लें और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के उसकी भी कटिंग करके सेंटर का निशान लगा लें। ये हमारा गला कंप्लीट तैयार हो गया है। ये डोरी है। निशान के ऊपर रख के सिलाई लगाएं और सुई को नीचे करके फिर दोबारा वापस लगा के इस तरह यू शेप में सिलाई लगाएं। ख्याल रहे सुई को नीचे करके फिर दोबारा डोरी को वापस रिपीट करें और फिर यू शेप में दोबारा ऊपर फिर सिलाई लगाएं। ये बहुत ही आसान है और माशाल्लाह से लगता भी बहुत खूबसूरत है। जो बच्चियां घर में सिलाई करती हैं वो आराम से बना सकती हैं। इसी तरह मैं गले की भी बनाऊंगी और दोनों बाजू की भी बनाऊंगी। अगर आपका दिल करता है तो आप दामन पे भी बना सकते हैं। इस तरह जहां डोरी खत्म हो जाएगी उधर से फिर दोबारा डोरी शुरू कर लें।
ऊपर से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया है। अब जो एक्स्ट्रा डोरी होगी उसकी कटिंग कर लूँगी। गले का जो कपड़ा छोड़ा था उसे फोल्ड कर लें। ये मेरी शर्ट है, शर्ट पे भी मैंने प्रेस करके सेंटर का निशान लगा लिया है और दोनों सेंटर मिला के सिलाई लगा लूँगी। अब जहाँ से कटिंग की है वहाँ रख के सिलाई लगा लें। और साथ साथ शर्ट को भी ठीक करते रहें, कहीं नीचे झोल ना आ जाए। अब सेंटर की चेपी को उतार दूंगी। और सिलाई का मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लूंगी। अब इसे कच्चा कर लूंगी। आप सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखें लुक है माशाल्लाह से। अब जो बाहर की तरफ होगा वो वाली चेपी हमने उतार लेनी है। चेपी वाली साइड शर्ट के नीचे रख के सिलाई लगा लूंगी। ख्याल रहे सिलाई के ऊपर सिलाई आए। ये सिलाई ज़रा एहतियात के साथ लगेगी। ये देखें ये उल्टी तरफ है, ये सीधी तरफ, एक रख के फिर सिलाई लगा लूँगी ताकि मज़बूत हो जाए।
ये देखें माशाल्लाह से ये वाली लुक आएगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह मैं आपके साथ नए नए डिज़ाइन शेयर करती रहूँगी। ये बाजू हैं, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।